नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना जहां एक तरफ दो गुटों में बटी हुई है, दोनों ही गुट एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के दो गुट हैं, उद्धव ठाकरे का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुटों के बीच इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है और दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई भी जारी है। लेकिन इसी बीच महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तमाम रणनीतियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं ठाकरे परिवार के साथ साथ शरद पवार के परिवार की भी। जी हाँ, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर बागी विधायक डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बागी विधायक अब मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धव के बेटे यानी कि शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले की और इनके साथ साथ यहां पर अनुभवी नेता वरिष्ठ नेता अजीत पवार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। गौर करेंगे यहां पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर की तरफ, आखिरकार ये बड़ी खबर क्या कुछ कहती है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बालासाहेब बांची शिवसेना गुट के प्रवक्ता विजय शिवतारे ने हाल ही में कह दिया है कि शिंदे गुट के समर्थक 50 विधायकों में से हर एक विधायक एनसीपी नेता अजीत पवार, सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे के खिलाफ अब 50 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकने के लिए जा रहा है। जी हाँ, शिंदे गुट के इन 50 विधायकों पर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगा दिया है कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की है। इतना ही नहीं, उनका ये कहना रहा है कि ये सभी 50 विधायक अलग अलग इन तीनों नेताओं के खिलाफ 50 करोड़ की मानहानि का दावा भी करने जा रही है। आपको बता दें कि विजय शिवतारे ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगर ऐसा ही इल्जाम उन पर लगाया जाता तो वह मानहानि का दावा नहीं करती और सबूत मांगती। हमने उनकी सलाह को गंभीरता से लिया। अब हम उन तीनों के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी करने के लिए जा रही हैं। या तो वे तीनों सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कोर्ट के सामने, या फिर सबूत पेश करे, या फिर इस तरह से पैसों का लेन देन जो हुआ है उसको लेकर उनका कहना रहा कि अब यहां पर सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों से बात कर लिए है और अब उनका कहना है कि ये झूठे आरोप बंद होने चाहिए और कोर्ट में अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। दूसरी ही तरफ आदित्य ठाकरे पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि खोखे सरकार कहने पर उन्हें मिर्ची क्यों लगती है, पहले वे ये साफ करें क्या मतलब है खोखे शब्द का। नोटिस ही देना है तो पहले उन 33 देशों को नोटिस दे जहां शिंदे गुट की बगावत को नोटिस किया गया था। इस तरीके से यहाँ पर अब आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। मानहानि का दावा करने जा रहे हैं ये 50 विधायक। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस वक्त सत्ता में है और ये सरकार इस वक्त लगातार निशाने पर बनी हुई है। दूसरी ही तरफ हाल ही में जिस तरीके से शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार पर जो निशाना साध दिया गया, सुप्रिया सुले पर जो उन्होंने टिप्पणी की उसको लेकर आदित्य ठाकरे ने अपने गुस्से को जाहिर किया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस का ये डिपार्टमेंट है, देवेंद्र फडणवीस को अब यहां पर इस पर बात करनी चाहिए, फैसला लेना चाहिए। दूसरी ही तरफ अब्दुल सत्तार के पद से इस्तीफा मांगने की मांग भी कर डाली है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट और साथ ही साथ एनसीपी के बीच जो घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये घमासान कब शांत होगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे किस तरीके से इन मुश्किलों का सामना करेंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। और आपको बताते चले कि अब शिवसेना के सांसद संजय राउत को भी रिहा किया जा रहा है बहुत ही जल्द ही। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।